मेथी के छल्ले पंजाब का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जो कि बनता है मेथी, आलू और घर के बिल्कुल बेसिक सामान से। तो आइए देखते हैं इसको बनाने का आसान सा तरीका। इसके लिए मैंने एक बोल लिया है और मैं इसमें डाल रही हूँ करीब आधा किलो आलू। तो ये कच्चे आलू हैं और यहाँ पर मैंने बेबी पोटैटोज़ या फिर छोटे वाले आलू का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदे होते हैं, इनमें बहुत मिट्टी होती है। तो अब हमें क्या करना है, इनको 4 से 5 बार अच्छे से रगड़ के धोना है। तो मैं आज इसको इस वेजिटेबल कॉयर ब्रश, ये जो आता है, मैं इससे साफ़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको टूथब्रश से भी साफ़ कर सकते हो या फिर कोई कॉटन का कपड़ा हो आप उससे भी रगड़ के इस तरह से साफ़ कर सकते हो। तो हमें ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज इस रेसिपी में हम इनके छिलकों को रखने वाले हैं। अगर ये ठीक से साफ़ नहीं होंगे तो जो हमारा स्नैक बनेगा उसमें ना खिसखिसाहट सी आएगी हल्की सी। तो इसको अच्छे से आप साफ़ कर लें। मैंने इनको 2-3 बार फिर से और धो लिया है और अब एकदम साफ़ हो चुके हैं। तो बस हम इनको एक छन्नी पे निकाल देंगे जिससे कि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो ये देखिए आलू जो है एकदम अच्छे से साफ़ हो गए हैं, बस हमें इनको चॉप करना है। तो आप इनको थोड़ा सा मोटा भी रख सकते हो या फिर मेरी तरह इस तरह से चॉप कर लें आप। तो इन आलूओं को हमें थोड़ा रफली चॉप करना है और जो छोटे वाले आलू हैं आप उनको थोड़ा कम काटें, जो बड़े वाले हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा काट सकते हैं। तो ये जो है आज हम बना रहे हैं पंजाब की बहुत ही फेमस रेसिपी शारले या शारली, मुझे प्रोनाउंसिएशन उसका ठीक से पता नहीं है, पर वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनती है। मैंने देखा घर पे उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है जो कि ठेलों पे मिलती है, तो मैंने उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया है अपने तरीके से जिससे आप भी इसको घर पर बना पाएँ। तो ये देखिए मैंने सारे आलू जो हैं इस तरह से चॉप कर लिए हैं और अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, आप कोई बोल ले लें, बड़ी थाली ले लें और इन आलुओं को उसमें डाल देंगे। तो ये ऑलमोस्ट ना आधा किलो आलू हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश मेथी। तो ये जो डिश है ये फ्रेश मेथी के साथ बनाई जाती है तभी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो एक छोटा बंच मेथी का था और आप देखें मैंने ना इसकी डंडियां हटा दी हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते रखे हैं और पत्तों को आप देखो मैंने चॉप भी नहीं किया, ऐसी मोटे मोटे रख लिए हैं। तो इसको डाल दिया है मैंने अच्छे से और अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ पर मेरे पास है बारीक कटा हुआ लहसुन, ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, बारीक कटा अदरक, इससे इसका टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून भर के धनिया और यहाँ मेरे पास है अनारदाना। तो इससे ना एक अलग तरह का खट्टापन आता है जो कि नींबू से और इमली से नहीं आता है, तो आप इसको ही इस्तेमाल करें। साथ में इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए हम डाल रहे हैं थोड़ी सी नॉर्मल वाली लाल मिर्ची। इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा प्याज। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में आप दोनों चीज़ें स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, मतलब अभी मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, बाकी नमक हम बाद में डालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। तो अभी जो हमने नमक डाला है उससे क्या होगा, मेथी ना थोड़ा अपना पानी रिलीज़ करेगी और ये मिक्सचर ना थोड़ा सा और मॉइस्ट हो जाएगा। इस मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है, अब हमें क्या करना है, इसको इस तरह से दबाना है। इससे क्या होगा, जो मेथी है अपना पानी रिलीज़ करेगी और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बेसन। तो मैंने अभी करीब 1 कप बेसन डाला है इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, बेसन को बिल्कुल धीमे हाथों से इस तरह से मिलाएंगे जिससे कि जो हमारे आलू हैं और मेथी है उस पर एक अच्छी सी बेसन की कोटिंग हो जाए, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से हाथों से इस तरह से दबाना है जिससे कि जो मेथी और आलू में से पानी जो है वो बेसन में एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स किया है, पर आप देख सकते हैं ना अभी इसमें कोई बाइंडिंग नहीं आई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बेसन और डालेंगे, मतलब मैं 1/2 कप बेसन और डाल रही हूँ इसमें और इसको हम फिर से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखा कई लोग ना अगर मेथी नहीं होती है तो ये पालक का भी बना लेते हैं, उससे भी ये काफ़ी टेस्टी लगता है। और ना मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है क्या बुलाते हैं, तो अगर आपके शहर में मिलता है या फिर आपने खाया है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है और आपके यहाँ इसको क्या बुलाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको और भी अच्छे से अब मिक्स कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी। तो पानी जो है ना बहुत थोड़ा सा डलता है, तो बस स्प्रिंकल करेंगे हम पानी को, तो इससे क्या होगा हमारे मिक्सचर में ना एक प्रॉपर बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये देखिए पानी डाल के मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और ना मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें भूल गई हूँ, वो है हल्दी पाउडर। तो हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, इससे क्या होगा बढ़िया कलर आएगा इसमें और इसको मैं फिर से मिक्स कर दूँगी। तो आप जब बाकी मसाले डालें ना उसके साथ थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें इसमें तो इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए फाइनली हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है और आप देखें अगर आप इसको हाथों में लें
तो आप इसको इस तरह से एक बॉल शेप बना पाए। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेसन मिलाना पड़े, पर कंसिस्टेंसी हमें इसकी यही चाहिए। तो इसको ना कई तरह से बनाया जाता है, पर मुझे जो सबसे आसान तरीका लगा वो ये है कि आप एक कटोरी लें और इस पर इस तरह का एक कपड़ा बांध लें अच्छे से टाइट करके, और इसको हल्का सा गीला कर लें आप हाथों से, ये देखिए। और ये जो मिक्सर हमने तैयार किया है ये हम थोड़ा सा लेंगे और इसका एक बॉल बनाएंगे और इसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो इसका ना हमें एक टिक्की टाइप का बनाना है गोल, और साइज़ इसका आप जो रखना चाहें, वैसे जो बाज़ार में मिलते हैं ना वो तो बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, पर मैं ना इसको इस तरह से बना रही हूँ छोटा सा। और आप मोटा देखें, थोड़ा सा ये ना मोटा बनता है इस तरह से, एकदम पतला पतला नहीं बनाना है। और बस हम इसको इस तरह से हाथ पे उतार लेंगे और अब हम इनको सेकेंगे। तो यहाँ मैंने तेल गरम किया है और आप देखिए शैलो फ्राई टाइप का करना है बस हमें इनको। तो तेल का टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मोटे बनते हैं तो इनको सेकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ना जो बाज़ार में बनाते हैं ना वो क्या करते हैं, जो कलछी होती है ना छेद वाली, उसके ऊपर इसको चिपकाते हैं और उस गरम कलछी को तेल में डालते हैं। पर मैंने देखा उससे क्या होता है कि वो कलछी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और फिर उसको निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो तरीका है मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगा। तो जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो या पैन हो आप उतने ही डालें। और ये देखिए ये वाला हमने पहले डाला था, थोड़ा सा कुक हो गया है तो हम इसको पलट देंगे। तो ये ना आम पकौड़े और कटलेट से ना बिल्कुल अलग टेस्ट के लगते हैं, आप इनको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो बस हमें क्या करना है, इनको थोड़ी थोड़ी देर में पलटना है और सेकते जाना है। तो देखिए जो हमने पहले डाले थे वो वाले सिक्के बिल्कुल तैयार हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे और जैसे जैसे ये सिकते जाएंगे हम इसमें नए डालते जाएंगे और पुराने वाले निकालते जाएंगे। तो ये देखिए सिक्के बिल्कुल तैयार हैं, आप इनको ऐसे ही किसी भी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हो। पर इनको जब स्ट्रीट स्टाइल में सर्व किया जाता है तो आप क्या करें, इसको एक बोल में ले लें और इसके ऊपर डालें काफ़ी सारी घिसी हुई मूली, साथ में डालें तीखी वाली हरी चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, और इस पर स्प्रिंकल करें थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक। तो बनकर बिल्कुल तैयार है और ये बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है पंजाब का, और आप एक बार बना के ज़रूर खाइएगा, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।